नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही तालिबान ने अफगानियों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अपने आप को अफगानिस्तान का बादशाह घोषित कर दिया है, लेकिन एक प्रांत अब भी बचा है जो तालिबान मुक्त है और वो है पंजशीर। यहाँ तालिबान का अब तक कोई वजूद नहीं है। ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जहाँ से तालिबान को खुली चुनौती मिल रही है। दरअसल अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के भागने के बाद से ही खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह साले तालिबान के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से मेरी आत्मा को सिर्फ अल्लाह ही अलग कर सकता है, लेकिन मेरे अवशेष हमेशा यहाँ की मिट्टी से जुड़े रहेंगे। सालेह फिलहाल पंजशीर घाटी में है जहाँ तालिबान का कब्जा नहीं है। सालेह नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन भी कर रहे हैं जो तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पंजशीर घाटी पर भी जल्द तालिबान का कब्जा हो सकता है। पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में अफगान विशेषज्ञ जाइलस डोरेन सोरू का कहना है कि वर्तमान समय में प्रतिरोध सिर्फ मौखिक है, क्योंकि तालिबान ने अभी तक पंजशीर में घुसने का प्रयास नहीं किया है। अफगानिस्तान में 2 दशक तक रही अमेरिकी समर्थित सरकारों में सालेह प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। मौजूदा समय में भी तालिबान विरोधी उन्हें अपना अगला अफगान राष्ट्रपति मान रहे हैं। साले ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि तालिबान अंदराब घाटी में खाना और ईंधन नहीं दे रहा। मानवीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हजारों महिलाएं और बच्चे पहाड़ों को छोड़कर जा चुके हैं। 2 दिन में तालिबान ने बच्चों और बुजुर्गों को अगवा किया है। आतंकी इनका इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे हैं ताकि वो खुलेआम घूम सके और घर घर जाकर तलाशी ले सके। अमरुल्लाह साले ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को खुलकर जीने का मौका मिले। हम अफगानिस्तान को तालिबिस्तान नहीं बनने देना चाहते। हम चाहते हैं कि अफगानी लोगों को उनकी बात कहने का मौका मिले। ये सब तानाशाही में नहीं हो सकता। पंजशीर घाटी की सुरक्षा अहमद मसूद के हाथों में है, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है। दोनों ने पंजशीर में शरण ली है और यहीं से तालिबान को ललकार रहे हैं। दूसरी ओर तालिबान ने धमकी दी है कि 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिकी और अन्य विदेशी सैनिक देश में रुके तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी का अभियान चला रहा है, जिसके पूरा होने के लिए 31 अगस्त तक का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।